है? एडिटिंग नहीं करूं मैं, नहीं करूं। नो नो नो, गुड्डू द बेबी इज ऑन द बस, वाह वाह वाह, द मम्मी इज ऑन द बस, ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर। चलो बाब, अब वी को एडिटिंग कर लंडो गुड्डू, गुड्डू एडिटिंग कर लंडो। नहीं करने दोगे? अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। सो ये है मेरा लंच, आज सब कुछ मैं एक साथ खाऊंगी, सैलेड वैलेड सब कुछ, क्योंकि फिर ऐसे हो जाता है कभी कभी मसाला सैलेड छूट जाता है मेरा, क्योंकि भूल जाते हैं। तो अभी भैया गए हैं हमारी वीडियोस लेने, जो कि इंगेजमेंट वाली थी, और थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि उनके जो जो फोटोग्राफर वाले थे उनके यहाँ कोई बीमार वगैरह था, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। फोटोज हमने एक दो दिन बाद ही ले ली थी, तो वीडियो के लिए थोड़ा सा लेट हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं। इससे पहले आप ऑलरेडी देख चुके होंगे और मुझे लगता है कि अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को एल्बम देखनी है जो हमारी बनी है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, देन नेक्स्ट वीडियो में एल्बम दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या फोटोज़ वगैरह जो भी हैं करवाए हैं, वो सब चीज़ें। इसके अलावा अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बहुत बकवास हो गई है। तो ये मेरी आ गई है इंगेजमेंट की एल्बम, इसे बाहर निकालते हैं। तो ये मेरी एल्बम है और ये सारे फोटोज हैं, अगर आपको देखनी हो कभी तो बताना, मैं फिर ढंग से दिखाऊंगी। ठीक है, अभी इसे बंद कर देते हैं और हम सबने देख लिया, सबको अच्छी लगी बहुत ज़्यादा। तो अब मैं लगाने वाली हूँ हेयर मास्क, क्योंकि अब सब कुछ घर में ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सोनू ने यूज़ किया है मामा अर्थ का 1 स्पून हेयर ऑयल एंड 2 स्पून कंडीशनर। उसके बाद थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा अगर आपके पास सीरम रखा हो तो उसमें सीरम ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे सबको। सारे बाल कॉम करने के बाद हमें छोटे छोटे पार्ट्स निकालने हैं एंड देन उसमें हम लगाना है ये पैक, और हमें ये अंदर तक भी लगाना है, मतलब आपके रूट्स में भी लगा सकते हो, कोई हार्म नहीं करेगा क्योंकि इसके अंदर ऑयल भी है। ऐसे ही सब में लगाना है और उसका वैसे फिंगर करके और उन 2 फिंगरों से ऐसे करके हमें ये करना है जैसे कि अच्छे से लग जाए सब कुछ, और फिर हम कॉम कर देंगे सारे बालों को। उठ गया तू गुड्डू, गुड्डू आजा आज मेरा गुड्डू उठ गया। तो अभी मेरा जैसे कि लॉकडाउन में शादी वादी होने वाली, तो उसके हिसाब से मेरा ये चल रहा है हेयर स्पा लॉकडाउन में। ओ गुड्डू, गुड्डू कौन है, कौन है गुड्डू? पार्लर वाले जाना सेफ नहीं है, तो इसलिए घर में ही हेयर स्पा वगैरह चल रहा है। तो अभी सुना ने 3-4 चीज़ें घर में ही कुछ उनको मिलाकर हमने ये बनाया है। अभी मेरे को थोड़ी देर इसमें स्टीम लेनी है और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको मिल जाएगा सोना के चैनल पर। दिस इज द रिजल्ट, बाल बहुत ज़्यादा स्मूथ हुए हैं, चमक आ गई है ये कलर की, और मतलब आज लगाने में तो बहुत सॉफ्ट लग रहा है मुझे भी। सो आज है मकर संक्रांति और मम्मी पूजा वूजा कर रही हैं और पता नहीं कुछ तिल विल के कुछ पता नहीं क्या बनाने वाली हैं, तो जो भी बन जाए उसका दिखाऊंगी। और उसके अलावा अभी कड़ी बड़ी बनी है तो हम भी खाएंगे। अभी रूरू और मम्मी दोनों पूजा कर रहे हैं। रूरू गुड्डू पूजा कर लियो, मेरा गुड्डू, मेरा गुड्डू, मेरा गुड्डू। यहाँ पर पूजा चल रही है और भगवान जी को सबको नहला दिया है और गुड्डू भी साथ में पूजा कर रहा है, गुड्डू भी पूजा कर रहा है। ए गुड्डू, ए गुड्डू, ए गुड्डू, ए गुड्डू। मेरे गुड्डे तो ये है टिक्की, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि मम्मी ने जो बनाई है, जैसे कि आज मकर संक्रांति भी है
तो मम्मी ने इसके अंदर डाला है बाजरा और इसके अंदर डाला है तिल, और मीठे के लिए मम्मी ने शायद इसके अंदर गुड़ डाला है और उससे बन गई है ये सारी टिक्की मीठी वाली। यहाँ से खतरा ही है, गाड़ी फट जाएगी। चलो चलो चलो, मेरे बैग उसकी। हाँ, बैटरी फटेगी भी। हाँ, सही कह रहे हो। पीछे से चल रहे हैं, वहाँ से चल रहे हैं। हाँ, उधर से निकल जाएंगे। पोलो, भाई पोलो में भी ऐसा होता है भाई? और बता रहे ये शॉकिंग था कि पोलो है। जुरू दादी रो रही है, दादी रो रही है, दादी को चुप करा दो। नहीं है कैसे कड़ी हुई है छुपा, अब कर दो। दादी रूरू रूरू दादी रो रही है, दादी रो रही है। गुल्लू गुल्लू अभी मैं जा रही हूँ मंगलसूत्र लेने के लिए, बस थोड़ा सा मुझे भी बाल बाल ठीक करने हैं अपने। तो मंगलसूत्र मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तनिष्क से, तो वहाँ से बस मुझे भी डिलीवरी लेने के लिए जानी है, तो फिर वहाँ से लेके आते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो मेरी पसंद का है मंगलसूत्र, और मैं खुद जाके लेके आने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं जल्दी से, मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। एंड देन भैया मैं और सोना जाने वाले हैं लेने के लिए, तो थोड़ी सी इन दोनों की थोड़ी नोकझोंक चल रही है एक दूसरे पर पड़ गया, क्योंकि दोनों का काम है और दोनों को मेरे चक्कर में जाना भी पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी अकेले कुछ और भी काम है, थोड़ी सी चीज़ें करनी है, क्योंकि लास्ट टाइम शायद जाएंगे, उसके बाद हम शायद ऑफलाइन नहीं जाएं, और ब्लाउज वाउज उठा के लेके आने हैं। तो हम किसी के वैसे कॉन्टैक्ट में नहीं आने वाले, क्योंकि हम मास्क वास्क लग जाएंगे, पूरे अच्छे तरीके से सेफ्टी से जाने वाले हैं। तो जल्दी से जाते हैं, फिर आके जल्दी से गर्म पानी से नहा लेंगे, तो फिर पूरा ठीक हो जाएगा। तो अभी हम चलो चलते हैं जल्दी से, मैं वाला चेक कर लेती हूँ, कहीं पता चले कि मेरे चक्कर में लड़ाई हो जाए फिर। तो अभी मैं इसका वो ना बन के इन दोनों को इधर को झगड़ने देते हैं, और हम चलते हैं जल्दी से, तैयार होते हैं। बहुत शॉपिंग कर लिया तुमने हमारे ये हो गया सामान। तो ये मेरा मंगलसूत्र आ गया है, बस चेन वेन आनी है। कैसा लग रहा है? क्या कैसा लग रहा है ये मंगलसूत्र? हाँ, ऑलरेडी शूट कर चुके हैं ये मैं ही लेट कर रहा हूँ, ये लोग पहले ही कल। सो गाइस मंगलसूत्र हम लेके आ चुके हैं, मैं आपको दिखा भी चुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब बहुत लाइट वेट, मैं कभी भी कैसे भी डाल सकती हूँ ऐसा वाला है, तो इसलिए अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब मेरी पसंद का, इसलिए मुझे अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अभी और सोना ने भी मुझे एक पेंडल दिलवाया है, जो कि अपनी साइड से दिलवाया है, डायमंड का है वो, तो ठीक है। अब मैंने बहुत मना करा उनको, लेकिन वो तब भी माने तो है नहीं, वो ऐसे भी अपने सामने किसी की सुनती है, मैंने कुछ दिलवाना है और उन्हें पसंद आ गया है तो फिर वो दिलवाना है, बात खत्म। तो फिर वो भी मिल गया है, और उसके अलावा बस अभी मंगलसूत्र सब चीज करके हैं, ब्लाउज वगैरह भी लेके आ गए हैं। आपको मैं ब्लाउज दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे ब्लाउज सिलवाए हैं मैंने। तो एक ब्लाउज मैंने ये सिलवाया है, ये है पिंक कलर का, ये बॉर्डर भी लगा हुआ है, ये बैक है इसकी, वी नेक बनवाई है, और ये मैंने साइड में इनमें चेन लगवाई है, क्योंकि ईजी रहता है, क्योंकि पीछे से तो कौन ही बंद करे, कौन ही वो, तो बहुत दिक्कत रहती है, तो साइड से चेन सही रहता है, इसलिए साइड चेन करवाई मैंने। और ये सामने से इसका फ्रंट लुक है ये।
इसमें पाइपिंग भी लग रही है गोल्डन और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैंने तो मम्मी का बहुत प्लेन है, मम्मी ने ही हमने शादी के लिए करवाया ये भी, तो अब तो घर में ही होनी है तो घर में ही अब इसको पहन के घूमेंगे। तो ये मम्मी का है, ये थोड़ा इसमें कैमरे में थोड़ा अलग आ रहा है लेकिन ये अलग थोड़ा सा कलर है, थोड़ा पर्पल कलर है, उसमें ब्लूश दिखाई दे रहा है। तो ये मम्मी का बहुत प्लेन है सिंपल सा, क्योंकि मम्मी को बहुत प्लेन सिंपल चाहिए, तो मम्मी का तो कोई मुझे फालतू के ड्रामे नहीं चाहिए, इसमें बस सिंपल सा बनवा देना। तो ये बहुत सिंपल से ये लटकन वगैरह है इसमें, इस वाले में ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये साइड से ही इतना अच्छा है कि मतलब टिक रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी में किसी लटकन वटकन की। उसके अलावा तो ये है तीसरा ब्लाउज, मतलब दूसरा मेरा ब्लाउज है, एक मम्मी का हो गया, एक मेरा हो गया और ये दूसरा ब्लाउज है मेरा। इसमें ये पूरे मैं वर्क हो रखा है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये अलग डिज़ाइन करवाई है थोड़ी सी ऐसी वाली, इसमें फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है और मैंने जब मैंने पहन के देखा तो बड़ा अच्छा लग रहा था ये। इसमें मैंने ये डोरी करवाई है क्योंकि थोड़ा सा ये ऐसा है कि ऊपर नीचे थोड़ा सा साइड से मतलब उतरता है, कोठों पर से उतरता है, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा ये करवाया। इसमें ये है, इसमें ये तकिए से लगा रखे डोरी के, तो ये अच्छा लग रहा है मतलब ये भी। और इसका बैग ज़्यादा डीप नहीं है, मतलब वैसे कंपेयर अगर उससे किया जाए पिंक वाले से तो कम डीप है उससे, और अच्छा लग रहा है। इसके अलावा एक और है, इसमें ये है जो कि एंगेजमेंट पर मिली थी साड़ी, उसका ब्लाउज़ मैं आप सिलवा रही हूँ। इसमें ये वर्क किया हुआ है और इसमें भी चेन है, सब में मैंने चेन ही करवाई है जैसे कि थोड़ा इजी रहे। और इसका ये बैक है और ये ऐसे डिज़ाइन है। मैं सोच रही थी मतलब मैंने उससे सोच रही थी कि इसमें भी अगर ऐसा ही होता, लेकिन सुना ने बोला कि साड़ी बहुत हैवी है तो फिर अच्छा लगेगा, तो पहन के देखेंगे तो कैसा लगेगा। और बस ये सारे ब्लाउज थे मेरे, ख़त्म। आज सोना ने ये टेक्निक अपनाई है अपने पति को नीचे लाने के लिए, कचौड़िया बनाओ। आज हमारे चीट डे था, इन लोगों ने पराठे खाए, मैंने सोचा मैं शाम को मस्त बर्गर खाऊंगी, लेकिन बातों में शाम में बर्गर का टाइम निकल गया। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन लग जाता है और 11 बज गए, अब कुछ नहीं आएगा। और फिर नीचे उतारने की कोशिश की गई भैया को लेकिन वो नहीं आए, तो नीचे उतारने के लिए बना रही है चिंटी के लिए कचौड़ियाँ। चिंटी के लिए रहे, अपने लिए किसी को नहीं दूंगी। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ ना, मेरे को तो मिल जाएगी। चल ठीक है, तो खा ले बाकी। हाँ, कचौड़ी बननी है नीचे। अच्छा, भागे भागे आएंगे थोड़ी देर में, उतर के अपने आप फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुशबू अपने आप पहुंच जाएगी उनके पास। देखना ये क्या है, ये बेटा आगे सीधे करके चलते हैं, उल्टे होके नहीं चलाते हैं इसको। चम 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 चम। अपनी पायल जो दिखा दो गुल्लू, गुल्लू पायल दिखा दो चम 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 चम। दादी ने पायल पहनाई है गुड्डू को, गुड्डू को दादी ने पायल पहनाई है।